हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 फ़ोन की कैमरा आइकन्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन का कैमरा है, तो कैमरा साइज फ्रेम को फुल साइज़ में आप कैसे कर सकते हैं, और कैमरा फ्रेम को फुल साइज़ में करके फ़ोटोज़ वगैरह को आप कैसे खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोटोज़ भी फुल स्क्रीन कैमरा में कैसे खींच पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर सिंपली आपके पास कैमरा आइकन्स आ जाता है, तो सिंपली आपको फ़ोन के कैमरा पर क्लिक करना है, जिसके ज़रिए फ़ोटोज़ वगैरह को फुल स्क्रीन फ्रेम में आप खींच सकते हैं। तो सिंपली आप फ्रेम साइज़ पे जाते हैं, तो आपके पास ये फुल साइज़ फ्रेम का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप फ़ोटोज़ को खींच सकते हैं कुछ इस तरीके से, और फ़ोटोज़ भी आपके फ़ोन में फुल साइज़ फ्रेम में शो करेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फुल साइज़ फ्रेम में फ़ोटोज़ है शो हो रही है। कुछ इस तरीके से फुल साइज़ फ्रेम में फ़ोटोज़ को आप खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर, और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो फ्रेम साइज़ को स्मॉल मीडियम साइज़ में भी कर सकते हैं, या आपका मीडियम साइज़ है और जब फ़ोटोज़ खींचते हैं तो मीडियम साइज़ फ्रेम में शो करेगा कुछ इस तरीके से। एंड आप फ्रेम साइज़ को स्मॉल साइज़ में भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से स्मॉल साइज़ में भी फ़ोटोज़ को आप खींच सकते हैं और स्मॉल साइज़ में भी शो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ को फुल साइज़ फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, और यहाँ से फुल स्क्रीन में फ़ोटोज़ को भी आप खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर। और आप चाहें तो वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रेम को भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, और इसका यूज़ कर सकते हैं, और वीडियो क्वालिटीज़ भी सेट कर सकते हैं, 30 FPS 30 इसका भी यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ करके फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।